हम इस वक्त मौजूद है श्रावस्ती जनपद के जिला कलेक्ट्रेट में, जहां पर आज 15 अगस्त के 76वें साल पूरे हो चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि डीएम कृति शर्मा ने आज जिले पर बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के खेलकूद को लेकर और गायककार भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि उनके माता पिता भी आज 15 अगस्त के अवसर पर भी मौजूद थे। आइए हम जानते हैं कि श्रावस्ती जिले के डीएम आज हमारे देश के लिए को आजादी की 77वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराणों में जिस भारत वर्ष की आख्या मिलती है, वह अखंड भारत अफगानिस्तान से शुरू होकर पूर्वोत्तर तक विस्तृत था। पहला आधुनिक मानव अफ्रीका से निकलकर पहली बार भारतीय महाद्वीप पर लगभग 65,000 वर्ष पूर्व आया था। फिर विश्व के सभी आविष्कार जैसे कि कृषि, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि, विश्व के प्रथम शहरों का सृजन, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद एवं योग की जननी भारतवर्ष रहा अथवा इन आविष्कारों को आत्मसात करने में अग्रणी रहा। अखंड भारत में बसाई गई सिंधु घाटी की सभ्यता को जब 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में खोजा गया, तब यह कथन सर्वविदित हुआ कि इराक, मिस्र और चीन के साथ ही सिंधु घाटी की सभ्यता भी सबसे प्रथम बसाई जाने वाली संगठित शहरी सभ्यताओं में से एक था, जिसका उत्थान और कथन 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हुआ। का के पश्चिम छोर से होते हुए 15वीं शताब्दी में भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा जब केरल के कैलिकट पहुंचे, तो भारत के मसालों, दुर्लभ रत्नों और शासकों के अभूतपूर्व महलों को देखकर उन्हें पाश्चात्य देशों के कृपण होने का अनुभव। अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन, जिसमें 100 वर्ष लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी और 100 वर्ष सीधा अंग्रेजी क्राउन के तहत भारत पे राज किया अंग्रेजों ने, इन 200 वर्षों में भारत की अखंडता, सभ्यता और आर्थिक परिस्थिति पर अमिट आघात किए हैं, जिसके फलवर्ष दार्शनिकों के लेखन में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारतवर्ष 7 बार सूखी और भुखमरी से सम्मुखीन हुआ। कृषि का आकस्मिक व्यवसायीकरण, भारत की संपदा का इंग्लैंड में स्थापित फैक्ट्रियों के लिए निर्यात इत्यादि हस्तक्षेपों का यह परिणाम रहा कि हमारा विश्व सकल उत्पाद में 16% का जहां हिस्सा था, वह अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक 1947 में मात्र 4% ही रहा। 1947 से हम आज़ाद हैं और जिस गरीब देश के आज़ाद होने और फिर उस आज़ादी को बनाए रखने पर संशय था, वह सोच आज 76 वर्षों के बाद पाश्चात्य संकीर्ण मानसिकता का एक प्रतिबिंब मात्र। स्वतंत्रता के वर्षों में जहां हमारी 25 करोड़ जनसंख्या का लगभग 80% गरीबी रेखा के नीचे था, वहीं आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। रेलवे, एयरपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना इत्यादि पर भारत जैसे विकसित देश ने जितना काम किया है, वह शायद अभूतपूर्व है। इसका कुछ हिस्सा हमारी सघन आबादी की देन है, लेकिन इसका विशाल हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़ती उत्पादकता की तरफ इंगित करता है। भारत के इतिहास और इसकी अर्थव्यवस्था के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालकर मैं अपना अभिभाषण शेष करना चाहती हूँ, और अंत में ये कहना है कि आज़ादी का भाव भी बना रहे और देश के प्रति कर्तव्य भी याद रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, जिससे हर साल 15 अगस्त का गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया, अनहाट के लिए।